दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में जल संकट गहराता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के पूर्वी छोर वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 में। मैं कई घरों में जाकर भौतिक सत्यापन किया तो चापाकल से पानी नहीं आ रहा है। करीब एक दर्जन से अधिक लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो काफ़ी चिंतित थे। उन लोगों का यही कहना था कि सुबह में थोड़ा देर तो ज़रूर पानी मिलता है चापाकल से, लेकिन जैसे ही दिन ढलता जाता है, दिन में तपिश बढ़ती जाती है, वैसे जलस्तर नीचे जाता है, जिस कारण हम लोगों को दैनिक कार्य करने में भी दिक्कतें हो रही है। वही कई लोगों का यह भी कहना था कि मेरा घर यहाँ पर है, मैं कुछ दूरी से जाके वहाँ जो चापाकल है वहाँ से पानी लाता हूँ। पानी की घोर किल्लत है। जो दृश्य आप देखेंगे, जो यहाँ के लोगों ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। इस संबंध में जब हमने दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 15 के पार्षद सुचित्रा रानी से जानना चाहा तो उन्होंने अपनी दर्द बताई। वही वार्ड नंबर 16 के वर्तमान पार्षद एवं दरभंगा नगर निगम के पूर्व महापौर गौरी पासवान से जब हमने जानना चाहा कि ये जो जल संकट है इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है, तो पार्षदों ने अपनी अपनी राय बताई। वहीं कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि निगम तरफ से कोई हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है, हम लोग काफी चिंतित हैं कि आखिर अभी ये स्थिति है तो आगे क्या होगा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? वही 8-10 दिन से नहीं आ रहा है। अच्छा, नगर निगम द्वारा कुछ आप लोग को मदद मिल रहा है पानी के संदर्भ में? पाइप दिए हुआ था, पाइप भी तोड़ फोड़ के हटा दिया है। पाइप दिए हुआ था, टूट फूट गया है, पाइप नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है पानी? नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार जो जल नल योजना चला रही है उसका फायदा मिल रहा है आप लोग को? शुरू में मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? शुरू में मिल रहा था, अब आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी पाइप सब तोड़ फोड़ के हटा दिए हुआ है, पाइप है ही नहीं है। क्या समस्या है पानी को लेके? पानी मतलब यही ना, मतलब हर एक घर में समस्या है कि मतलब पानी, मतलब पानी का लेवल जो है नीचे गिर गया है, पानी हर एक कॉल से नहीं दे रहा है। इसी तरह इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी मतलब पानी है, मतलब एक कॉल से मतलब यहाँ पूरे मोहल्ला का मतलब जो है ना, पूरे मोहल्ला का मतलब आधा मोहल्ला का काम होता है कॉल से। तो पानी गिरता ही नहीं है? नहीं, नहीं गिरता है। कितने लोग इससे फायदा लेता है? कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? एक डेढ़ महीना से। अरे कहिए क्या समस्या है आप पानी को लेकर? घर में एकदम पानी नहीं आता। अच्छा, घर का चापाकल है उसमें पानी गिरता है? नहीं, घरों में नहीं गिरता। तो फिर आप लोग अपना काम काज कैसे करते हैं? काम करते हैं, वाला चला लेते हैं, कंदर के लिए बाल्टी में भर के रख देते हैं। दिक्कत है की एक डेढ़ महीना से निचल चल गया है सर, पानी नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत है। इतना इतना चला करके उसमें सर बोतल में ड्राम में तेल वाला शीशी सब में पानी भर भर के रखते हैं, तो वह बाल बच्चा के देते हैं पीने के लिए। बहुत समस्या, डेढ़ महीना से उसे चलते थे लेकिन डेढ़ महीना से बहुत समस्या खराब। अच्छा, नगर निगम तरफ से पानी का सुविधा मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, कौन सा वार्ड है ये? 16 वार्ड। गर्मी दस्तक दे चुकी है, मैंने कई घरों का अभी जाके देखा तो महिलाओं का खास कर कहना है कि पानी की काफ़ी किल्लत है। क्या कहना है आपको इस संबंध में? नहीं, हम लगातार लोगों के बीच जा रहा है, यह समस्या तो लगभग 48 वार्ड में भी वार्डों में है, सभी वार्डों में यह समस्या है। इसमें जिस तरह पूर्व में काम हुआ करता था कि जो जन सुविधा है, जो जन अपेक्षाएँ, जो जन आम लोगों को ज़रूरत है, खास करके पानी, निश्चित रूप से सभी मतदाताओं एवं जो यहाँ के निवास कर रहे लोग हैं उन लोगों तक समय पहुँचना चाहिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह चापा कल गिराने का काम कर रहे हैं। इसलिए उदासीनता है नगर निगम और महापौर का, इस जल संकट के समय सारे लोगों को हर प्रत्येक वार्ड में जाके विजिट करना चाहिए। हो रही समस्या, जनता के बीच हो रही समस्याओं का समाधान तुरंत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। संबंधित विभाग को तुरंत लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ पानी पाइपलाइन गया हुआ है वहाँ वहाँ लोगों के घर तक कैसे पानी पहुँचे इसका व्यवस्था निश्चित रूप से करना चाहिए। आज टेलीफोनिक बात हुई है, महापौर महोदया तो उठाती नहीं है, लेकिन डिप्टी मेयर से बात हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से उनको मैं हिदायत नहीं कहूँ, मैं सजेस्ट किया हूँ, तुम्हें करना है जो जनता के बीच से चुन के आप आए हैं उस जनता तक जन सुविधाएं को पहुंचाना है। खास करके ये जल की जो समस्या है वर्तमान में, यह भयावह है, इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। आप लोगों को, आप महापौर के साथ मिलकर, नगर आयुक्त के साथ मिलकर, जो समस्या है जब तक लोगों के पास जाइएगा नहीं,
तब तक उनके समस्या के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। और जल जैसी समस्या, महाविकराल समस्या, पानी के बगैर लोग मर भी सकता है, ऐसी स्थिति में आपको तुरंत इसको ज्वलंत मुद्दा बना के नगर आयुक्त, जो संबंधित विभाग है, नगर आयुक्त सहित सभी लोग मिलकर सब कार्य करना चाहिए ताकि ससमय लोगों तक पानी पहुंचने का काम हो। लोग कौन सा वार्ड है? ये 16 वार्ड। तो की दिक्कत है पानी के? पानी गिरवे नहीं करे। कितने दिन से पानी न गिरे है? 10-15 दिन से नहीं गिरे। अच्छा, नगर निगम के तरफ से पानी मिले है यहाँ सबके? नहीं मिटे है। यहाँ से अपन काम काज नहीं तो करे से दवा दवा के करे से, कल चला चला के इतनी इतनी की समस्या भर रहा है? पानी नहीं गिरे है। पानी नहीं गिरे है। कौन सा वार्ड चाहिए? 16 वार्ड। नाला तो कभी ऐबे नहीं किया ना है। और पानी का के बारे में? पानी के बारे में महीना दिन से कल सूखा हुआ है। तो फिर कैसे आप लोग अपना काम काज करते हैं? वही में करते हैं, इतना इतना पानी गिरता है वैसे ही चला के लेते हैं। नगर निगम की तरफ से टैंकर या कोई ऐसी सुविधा नहीं आता? नहीं आता। ये कौन सा वार्ड है? वही पानी नहीं आ रहा है कल में, एक महीना से पानी नहीं आ रहा है। नहीं। तो फिर कैसे आप लोग अपना काम काज करते हैं, दैनिक काम जो है वो? भोरे के थोड़ा सा चलता है, उसका भर दिन नहीं चलता है। और नगर निगम से या नगर निगम से कोई सुविधा नहीं? यही रोड में 15 वार्ड में नाला है, न कल है, कुछ सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है, मतलब पानी की काफी दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है पानी के। वो है हमारे पुतौ बोलल हम, वह बात है, हम 6 साल से पानी ना मिले है ना, कहाँ से। तो अपन काम काज कैसे करे छे? बगल में खानी है चापा खाल में कोई ठेकी बा, वो है कथि क्या दिक्कत है? चापा खाल में पानी? चापा खाल में पानी बिल्कुल सूख गया, एक भी लोटा पानी नहीं चल रहा है पूरे पूरे का। आपको यकीन नहीं है तो चलिए हम दिखा दें। इस 15 वार्ड के अंदर न जल नल या कोई भी पाइप की व्यवस्था नहीं। टैंकर आया, जिसको मन हुआ जिधर वो अपना भागा। बोले हैं मालिक साहब, वही दिन का तो इधर है ना, नल है ना अथी है, आधी पानी के जो है पूरा कल नल सब सूख गया है। नाला नहीं है, नाला है। अच्छा अच्छा, जल नल योजना आपके यहाँ है? नहीं नहीं। पावर लाइव दिखा रहा हूँ एक घर का, कि देखिए ये काफी चिंतित है पानी को लेकर, और देखिए क्या समस्या है इनके यहाँ। देखिए यहाँ देखिए कोई क्या समस्या है पानी का, पानी नहीं गिर रहा है, बड़ी इन लोग को दिक्कत हो रही है। देखिए अपनी समस्या बता रहे हैं, और ये घर का मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। जब एक घर में ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं सब जगह इस वार्ड में समस्या है। मैं कई लोगों से हमारी बात हुई है। देखिए एक कहावत है, जिस वार्ड में जल का मीनार हो, लेकिन यहाँ का लोग जो है वर्षों से प्यासा है। 10 वर्ष से मेरे वार्ड में जल मीनार बना हुआ है, लेकिन PhD तो पूरा फेल है, कहीं किसी को एक बूंद पानी PhD के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और वास्तविक है जल संकट इतना घोर समस्या है, जो सुबह सो करके उठते हैं और 10 आदमी दरवाजे पर पानी के लिए खड़ा रहता है। तो अभी तो समझिए अप्रैल के महीना में ये जल संकट की समस्या है, और लगभग एक महीना के बाद तो लगता है कि जैसे सब घर में पानी का हाहाकार मच जाएगा। इसलिए हम नगर निगम, जितने भी नगर आयुक्त हैं, पदाधिकारी हैं, सबको ये बोलेंगे जो एक विशेष बैठक जल पर, एक विशेष बैठक जल्द से जल्द बुला करके और इसका समाधान किया जाए। नहीं तो पूरे शहर में हर वार्ड में ये समस्या पानी की घोर किल्लत होने वाली है, इस पर विशेष से विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छा, आपने जब जल मीनार की चर्चा कर ही दी है, तो आपने सही कहा कि हमारे वार्ड में जल मीनार है और तो भी मेरा वार्ड में पानी की किल्लतें हैं। शहर में कई जगह जल मीनार बने हुए हैं और पानी की किल्लतें जो है, तो इस क्या माना जाए कि जल मीनार फिर किस काम का? कोई काम का नहीं। जल मीनार आज से 10 साल पहले बना, लेकिन अभी तक मेरे वार्ड का लोग उसमें से पानी नहीं ले पाते हैं। वहाँ का जब पाइप खोलता है तो सारे वार्ड में बाढ़ के तरह, मुंह में तो पानी नहीं जाता है लेकिन रोड पे पूरे बाढ़ आ जाती है। कितने बार PhD विभाग को भी, नगर आयुक्त को भी, नगर निगम में भी कितने बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माए बाप नहीं। किसकी लापरवाही आपको इसमें दिखती है सीधे तौर पर? हम तो पदाधिकारी का लापरवाही समझते हैं, नगर आयुक्त की लापरवाही समझते हैं, और PhD विभाग की लापरवाही समझते हैं।
ये जनता तो मेरे पास आती है, हम लोग एक छोटा जनप्रतिनिधि है, जनता को कोई भी समस्या होती है तो मेरे पास आती है, लेकिन मैं तो नगर निगम में आवेदन देती हूँ, नगर निगम के पदाधिकारी से बात करती हूँ तो वहाँ पे रिजल्ट 0 का 0 आता है, इसीलिए हम लोग इतना दुखी है जो क्या बताए। इसकी समस्या नगर आयुक्त को करना चाहिए, जो विशेष बैठक बुला करके मेयर साहिबा को करना चाहिए, जो कि उनका छाप भी नल था, उनका छाप भी नल था और वो प्रॉमिस भी की हुई थी जो कि जब हम जीत के आएंगे तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान हम जल नल पे देंगे, लेकिन अभी तक कोई जो है समस्या का निदान नहीं हो पाया है, इसीलिए मेयर साहिबा से हम कहेंगे जो इस पर विशेष से विशेष ध्यान दे करके इसको समाधान किया जाए।